शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने किया मुकदमा दर्ज। एनफोर्समेंट विंग के अफसरान चीफ टाउन प्लानर VCGDA इस्तीफादा कुनंदा बिलाल राठर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने किया मुकदमा दर्ज। एनफोर्समेंट विंग के अफसरान चीफ टाउन प्लानर VCGDA इस्तीफादा कुनंदा हिलाल राठर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने किया मुकदमा दर्ज। एनफोर्समेंट विंग के अफसरान चीफ टाउन प्लानर VCGDA इस्तीफादा कुनंदा हिलाल राठर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने किया मुकदमा दर्ज। ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने मुकदमा दर्ज किया है। एनफोर्समेंट विंग के अफसरान चीफ टाउन प्लानर VCGDA इस्तीफादा कुनंदा हिलाल राठर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और अगली खबर, अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसी सिलसिले में DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल बहुद्दीन भट्ट ने पंथा चौक ट्रांजिट कैंप का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। दौरे के दौरान DC ने बेरोक टोक और परेशानियों से पाक यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को फ़ाल अंदाज अख्तियार करने की हिदायत दी। यात्रा कैंप में पीने के साफ पानी, बिजली की फराहमी, साफ सफाई, पार्किंग समेत मुख्तलिफ सहूलतों की फराहमी के लिए किए जा रहे इकदाम के हवाले से DC को जानकारी भी दी गई है। और बालतल रूट के जरिए श्री अमरनाथ यात्रा के अहसन इनकात को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल शामबीर ने सोनमर्ग में खिदमात के नर्ख तय करने के लिए मुतालिका अफसरान और मुख्तलिफ खिदमात फराहम करने वालों के नुमाइंदों के साथ एक मुश्तरका मीटिंग की। इस इकदाम का मकसद ओवर चार्जिंग को रोकना और श्रद्धालुओं के लिए खिदमात के मयार को बढ़ाना है। मुलाकात के दौरान पोनी वालों, पिट्ठू वालों और पालकी वालों, यहाँ तक कि मजदूरों और दीगर खिदमात फराहम करने वालों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्टेक होल्डर्स ने अपनी कीमती तजावीज़ शेयर की और DC को कामयाब और बेहतर यात्रा को यकीनी बनाने के लिए अपने तआवुन का यकीन दिलाया। मीटिंग के बाद DC ने दीगर अफसरान के साथ यात्रा की जारी तैयारियों का मुआयना करने के लिए बालतल का दौरा किया। DC ने ज़रूरी हिदायत जारी की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम तैयारियां मुकर्रर वक्त के अंदर मुकम्मल की जाएं और श्रद्धालुओं को बेहतरीन मुमकिन खिदमात की जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले पर नजरसानी के लिए दायर नजरसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। दरहकीकत सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा देने वाले आईन के आर्टिकल 370 को मंसूख करने के मरकजी हुकूमत के फैसले की दुरुस्तगी को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आईन में जम्मू कश्मीर से मुतालिक आर्टिकल 370 के बारे में अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मरकजी हुकूमत में और मरकजी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा था और आईन के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को दुरुस्त माना था। इससे कबल 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक आईन के आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ 23 दरख्वास्तें दायर की गई थी। अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में
पूर्ण बहुमत के साथ धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ था। उसके बाद बहुत सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां, कुछ और संगठन सुप्रीम कोर्ट तक गए इसकी वैधता के लिए, लेकिन उस वक्त की याचिका को निरस्त कर दिया गया। आज पुनर्विचार करने की ये याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त किया है। स्वाभाविक बात है कि ये लोग हवा में तीर मार रहे हैं, एक वैध तरीके से कानून के तहत इसको निरस्त किया गया। उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है जो बार बार जाकर के अदालतों का दरवाज़ा खड़काते हैं और अदालतों का समय बर्बाद करते हैं। इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि धारा 370 ना तो कभी वापस आएगी, और जिसके कारण से हमारा वाल्मीकि समाज हो, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हो, हमारी बेटियां जो बाहर की शादी हो जाती थी, गोरखा समाज हो, इनके अधिकारों को छीना जाता था। आज धारा 370 के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट भी बढ़ी है, शांति व्यवस्था भी बनी है। ये जो लोग इस प्रकार की कोशिश करते हैं उनको घर बैठना चाहिए, ना कि लोगों को गुमराह करना चाहिए। आर्टिकल 370 पे दो चीज़ें थी, लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन, जो जम्मू कश्मीर की असेंबली भी कानून ला सकती है अगर जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने। तो ये पार्टियां बेवकूफ़ बनाती आ रही हैं और इन्होंने इलेक्शन में बेवकूफ़ बनाया। तो आज मैं एनसी और पीडीपी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने सीरियस थे, आपने उस वक्त दावा किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं लेकिन हम रिव्यू पटिशन करेंगे, तो अभी तक जो है रिव्यू पटिशन क्यों नहीं की? ये साफ है कि एनसी हो पीडीपी हो, वो बीजेपी के साथ शाना बशाना खड़ी है, हर फैसले के साथ खड़ी है। यहाँ कश्मीर में एक बात करते हैं और दिल्ली में दूसरी बात करते हैं, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, दोनों बीजेपी के प्रोडक्ट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करते हैं। इसमें सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब वही लीडर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को सच्चाई बताई, जो आज की कांग्रेस है या केजरीवाल की पार्टी है, बाकी जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने 370 को सपोर्ट किया था जब भाजपा हुकूमत ने जो है 370 हटाया। और इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सेल ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में की कार्रवाई, साइबर सेल ने 20,000 की राशि की जब्त। 1 जून को तय की गई हिमाचल में अंतिम चरण के लिए मतदान की तारीख, 11,703 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू, 21 मई से 29 मई तक कर सकेंगे मतदान। सोलन के चावल गांव के जंगलों में लगी भयानक आग, रिहायशी इलाकों में होटलों के नजदीक पहुंची आग, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सोलंग के पास कालाघाट में भीषण आग लगने से जंगल को पहुंच रहा है काफी नुकसान, वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कर रहे हैं कोशिश, मदद न मिलने पर वन विभाग के रेंज ऑफिसर नीमा छेरिंग और डिप्टी रेंजर नीलम ठाकुर ने जाहिर की नाराजगी। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप, पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिख रहा है गर्मी का असर, पूरे हिमाचल में भी लगातार तापमान में दर्ज की जा रही बढ़ोतरी। चुआचक बेशना में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या की, मृतक महिला की पहचान शमशाद बेगम के रूप में हुई है, पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को पकड़कर जांच शुरू कर दी है। कठुआ निवासी वकील बलबीर सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में अखनूर के चुनाब नदी में डूबने से हुई मौत, पुलिस कर रही है शव की तलाश। गढ़वा के चचरिया गांव के पास ट्रेन से कटकर 2 लड़कों की मौत, दोनों लड़के रेलवे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर, आप देख रहे हैं पहली खबर। श्रीनगर और बारामूला पार्लिमानी हलके के नशिस्तों के इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद तमाम तवज्जो अब अनंतनाग राजौरी सीट पर मरकूज हो गई है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त पर वोटिंग 25 मई को होगी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की माइग्रेंट विंग ने जम्मू में कैंप और गैर कैंप दोनों इलाकों में मुहिम तेज कर दी है। डीपीडीपी माइग्रेंट विंग के लीडरों ने संजय धर की क्यादत में जगति टाउनशिप और दीगर माइग्रेंट इलाकों में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। माइग्रेंट वोटरों से अनंतनाग के डीपीएपी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे को वोट देने की अपील की जा रही है। उन्होंने वादा किया है कि अगर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुए तो पंडित बिरादरी को दरपेश संगीन मसाइल का इजाला करेंगे।
25 तारीख को कश्मीरी पंडित एक बार फिर वोट डालने जा रहे हैं, और इस वक्त जो 25 तारीख की बात है उसमें ये अनंतनाग राजौरी की जो सीट है उसके लिए चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उसमें वोट डालने जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर अगर कश्मीरी पंडितों की पहले दो मरहलों की बात करें, जो श्रीनगर पुलवामा और बारामूला वाली कुपवाड़ा वाली सीट थी, उस पर अच्छी खासी तादाद में कश्मीरी पंडित बाहर निकले, वोट डाला, उसको देखते हुए जो कैंपेनिंग चल रही है कश्मीरी पंडित लोकेलिटीज में, चाहे जगती टाउनशिप में, नगरोटा में, बाकी जगहों पे, वो जबरदस्त चल रही है। इसी कड़ी में हालांकि जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उसकी परवाह करने बगैर जो माइग्रेंट सेल्स हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, जिनके कैंडिडेट इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या डीपीएपी हो, उनके वर्कर और लीडरान घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं जो माइग्रेंट सेल के हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डीपीएपी के वर्कर हैं, लीडर हैं, जो माइग्रेंट सेल हैं डीपीएपी की, गुलाम नबी आजाद लेड पार्टी के, और उसके अनंतनाग के जो कैंडिडेट हैं आप सबको पता ही होगा कि एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे हैं, तो उनकी कैंपेनिंग के लिए ये लोग अभी भीषण गर्मी के बीच, कड़ाके की गर्मी के बीच यहाँ जगती लोकेलिटी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे बारी बारी और पूछना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं और क्या उनको लगता है। सर सबसे पहले संजय दर से बात करते हैं। संजय दर, आप इस माइग्रेंट सेल में क्या है? मैं प्रेसिडेंट हूँ सर, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पीपल्स विंग, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आप इस वक्त गर्मी के, इस भीषण गर्मी पड़ रही है जम्मू में और जगती में भी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या ऐसा रिस्पॉन्स है और क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप इस गर्मी में आए हमारे पास। हम तीन महीने से इस गर्मी के, जो ये गर्मी चल रही है, लू चल रही है, हम 3 महीने से कंटिन्यूसली सभी जगह, हम कश्मीर भी गए, जम्मू भी, सारे कैंपों में, परसों हम उधमपुर गए थे, वहाँ पर भी हमने कैंपेनिंग की। तो जहाँ जहाँ हम पहुँचे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ये नई पार्टी है 2 साल से, तो 2 साल से हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। जितने भी हमारी पार्टी के वर्कर हैं, चाहे से जम्मू में है, चाहे कश्मीर के हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट विजय कार्योलू, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हमारी टीम है जम्मू में, ये सारे काम दिलो जान कर रहे हैं। और हमने जितने हमारे रिसोर्सेज है, जो हम करना चाहे, जो हमारा जहाँ तक पहुँच है, चाहे वो हम इधर जम्मू में परखू कैंप है, मुठी कैंप है, जितने भी कैंप है, हम सब जगह गए और वहाँ पे दिलो जान हमने कैंपेनिंग की। और हमारा जो सबसे जो प्लस पॉइंट है इस टाइम, वो ये है कि 35 साल के बाद कोई किसी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री कैंडिडेट है, वो किसी जो कैंपों में उनका दौरा हुआ यहाँ पे, और उन्होंने जब यहाँ का दौरा किया, मुझे नहीं लग रहा आज 35 साल तक यहाँ पे कोई पार्लियामेंट्री कैंडिडेट आया है। लेकिन जब उसने यहाँ पर कैंपेनिंग की, उसने भी लोगों का हाल बहुत अच्छी तरीके से देखा कि हम किस तपती गर्मी में जी रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने हमें ये वादा दिया है, और आज़ाद साहब ने भी वादा दिया है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आई या हमारा कोई पार्लियामेंट कैंडिडेट पार्लियामेंट में जाएगा, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा रहेगा वो रिहैबिलिटेशन का रहेगा, और जितने भी इसके साथ रिलेटेड और भी मसले हैं वो भी वो ऐवान में, यानी कि हमारे लोकसभा में वो उठाएंगे, और उनसे हम बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए, कश्मीरी विस्थापितों के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ यूथ प्रेसिडेंट हैं डीपीएपी के, माइग्रेंट सेल के, नवीन। नवीन, आप जो फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, बहुत सारे हैं कश्मीरी पंडितों में, और हमने देखा लगातार कई दो जो अभी चुनाव हुए हैं, चाहे अनंतनाग, चाहे वो श्रीनगर का हुआ या कुपवाड़ा का हो, उसमें फर्स्ट टाइम वोटर भी बड़े संख्या में कश्मीरी पंडित बाहर निकले। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, जिस तरह रिहैबिलिटेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट है, तो आप कैंडिडेट क्या एश्योर करते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस मसले को? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बार बार हमें हमारी रिपोर्ट लेने आते हैं। जैसा आपने, आपको पता है कि 2007 में 8 में अपने हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो जिस टाइम आजाद साहब कांग्रेस में थे, तो उन्होंने एक स्पेशल पैकेज कश्मीरी युवाओं के लिए दिया था, माइग्रेंट सेल्स के लिए दिया था, कि 6000 पोस्ट दी थी। वो 6000 पोस्टों में भी कुछ पोस्ट ऐसी अभी 200-250 पोस्टें अभी भी फिलअप नहीं हो रही है इन 10 सालों में जो भी बीजेपी की अभी इस टाइम हुकूमत थी। आजाद साहब से हम मिले, हमारे युवा मिले हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि, बोला है कि जब हमारी सरकार आएगी
हमारी हुकूमत होगी तो हम इस 6000 पोस्ट को और आगे ले जाके 20000 पोस्ट करेंगे। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपने जितने भी युवाओं के लिए स्पेशल एक ड्राइव चलाएंगे, जो कि अपना अवरेज यूथ के लिए भी चलाएंगे, एक डीजी भर्ती यहाँ पे कराएंगे। और खासकर उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जैसे गोरखा बटालियन है, बाकी सारी बटालियन है, वैसे एक कश्मीरी पंडितों की भी एक बटालियन, युवाओं की बटालियन होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 1000 युवा हमारा उसमें सेटल हो जाएगा। सर प्यारेलाल जी, आपसे दोबारा जानना चाहूंगा कि रिस्पांस कैसा आ रहा है लोगों का, और जो इन्होंने कहा रिस्पांस कैसा लोगों? सर, जो पिछले 3 महीने से हम इस इलेक्शन के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हर एक जगह, हर एक कॉर्नर में जहां भी माइग्रेंट फाइटर्स हैं वहां पहुंचे हम, और हमें गुड रिस्पांस आई। ऐसा नहीं कि हम नहीं डालेंगे वोट, हर एक जगह हमें गुड रिस्पांस आई, और हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आनर से रिस्पांस दी कि भाई आज़ाद साहब के नाम पर हम वोट दे देंगे। और हम बहुत खुश हैं कि आज़ाद साहब के नाम पर कहीं क्रिटिसाइज नहीं हुआ। और मजीद हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि जो हमने पिछले 2 इलेक्शन पोलिंग डेट्स पर देखा, एक ये बारामूला के लिए और एक श्रीनगर के लिए, अपनी पार्टी का एफिलिएशन बीजेपी कर रही है, और बीजेपी का जो कन्वेंसिंग है वो विद इन 200 मीटर्स कैसे अलाउ किया जा रहा है उनको, 20-20, 25-25 बीजेपी वर्कर्स यहां पोलिंग बूथ्स को कब्जा कर रहे हैं बाहर से, विद इन 200 मीटर्स, नॉट बियॉन्ड 200 मीटर्स, और वो ऐसी कन्वेंसिंग कर रहे हैं कि लोगों को घरों से निकाल रहे हैं कि बैट पर वोट डालो। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें कुछ संज्ञान लेगा तो जो प्रिवेंटिव पोलिंग स्टेशन के लिए, वोटिंग के लिए एक्ट्स हैं उन पर अमल करे, और जो पार्टी, जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उस पार्टी को अलाउ करे, और उनको भी 2 कुर्सियां और 1 टेबल लगाना है बाहर, और वो भी बियॉन्ड 200 मीटर्स। और ये 20-25 बंदे हमारे लिए बहुत मुश्किल है जो कन्वेंसिंग करते हैं इसके अपनी पार्टी के नाम पर या अदर पार्टीज के नाम पर, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है उनको समझाना, और उनकी कन्वेंसिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले। तो ठीक है, तो डीपीएपी के जो नेता हैं, वर्कर हैं, जिस तरह मैंने कहा कि लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और न सिर्फ डीपीएपी बल्कि बाकी पार्टियों के कैंडिडेट भी कर रहे हैं। 25 तारीख को बड़ा मुकाबला है, लास्ट फेज है। अगर हम कश्मीर वैली की सीट्स की बात करें तो इसमें देखना पड़ेगा कि कश्मीर पंडितों की कितनी तादाद या कितनी परसेंटेज रहती है, लेकिन उससे पहले ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सारी पोलिटिकल पार्टी लगी हुई हैं, जो उनके माइग्रेंट सेल के लीडर हैं, और अपने मुद्दे और जो उनके इश्यूज हैं, अपना एजेंडा उनके सामने रख रहे हैं, और उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका समर्थन करें, उनके कैंडिडेट का समर्थन करें, ताकि उनके कैंडिडेट को मजबूती मिले। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मोबाइल लोहरदगा से सेन्हा थाना क्षेत्र में तालाब में डूबी महिला, आसपास के लोगों ने महिला को बचाया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा के हेसल चौक के पास बालू लोड ट्रैक्टर ने आर्मी के जवान को रौंदा, इलाज के दौरान जवान की हुई मौत। बांका के चकपरासी गांव में ठनका गिरने से 2 मुर्गा फार्म में लगी भीषण आग, अगलगी में लाखों का बताया जा रहा है नुकसान। नवादा के हिसुआ में बंद पड़े सिनेमा हॉल का छज्जा गिरने से शख्स की मौत, सिनेमा हॉल में कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर के सनहौला गांव के पास हाईवा और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। गुमला के भरडो अमलिया गांव में जंगली हाथी ने घर को किया क्षतिग्रस्त, घर के लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। लातेहार के बिशमरवा गांव के लोग गंदे पानी पीने को मजबूर, गांव में है एकमात्र चापाकल, वो भी 1 साल से है खराब। झुंझुनू में भीषण गर्मी में पानी की समस्या को लेकर मचा हाहाकार, ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़ के पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएच पर। पहली खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि श्रीनगर और बारामूला हलकों में वोटर टर्नआउट ये जाहिर करता है कि लोग अपना वोट डालने और अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए बेताब हैं।
उन्होंने अनंतनाग सीट पर भी भारी टर्नआउट की उम्मीद जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को लेकर अवाम में गुस्सा है और लोगों को एहसास हो गया है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस किस्म का वोटर टर्नआउट नहीं चाहती थी, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शायद उनका इशारा उनकी अपनी पार्टी की तरफ है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी सीट पर मुकाबला के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमेशा मुकाबला होता है, इसलिए वो तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी। सर, श्रीनगर और बारामूला में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हमने देखा है, अनंतनाग को किस तरह क्या एक्सपेक्टेशन है अनंतनाग से? अब अनंतनाग से भी यही उम्मीद है कि बढ़ चढ़ के इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल कैंपेन को अभी 2 दिन और हैं। 24 को वहाँ ख़त्म होगा, 25 को वोट पड़ेंगे और देखते हैं क्या रहता है। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ सियासी पार्टियां मजहबी जो है खुद पे जारी कर रहे हैं कि अगर आप इस पार्टी को वोट दोगे आप ठीक रहोगे, इसको दोगे आप बीमार हो जाओगे, किस तरह है? मुझे कुछ नहीं कहना उनके बारे में, उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी जगह। उमर साहब पीएम मोदी ने भी बोला कि काफी टर्नआउट हुआ है, उसको आप कह रहे हैं कि सिचुएशन ठीक है इसलिए सब कुछ टर्नआउट हुआ है? हाँ, तो कितना ठीक है हमें पता है, शुपयां और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अब अपना वोट का हक इस्तेमाल किया, इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की और इससे अगर इसको अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज़्यादा रहा, तो वो क्यों रहा फिर? क्या आपको लगता है कि लोगों के अंदर ये गुस्सा है इसीलिए इतना वोटर टर्नआउट आ रहा है, क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है तो शायद उसका गुस्सा है इसलिए ऐसा टर्नआउट? वो भी एक वजह है, दूसरी वजह यह है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं सब, यहाँ किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाज़त है और घुसने के बाद किसकी सुनवाई होती है? सारे फैसले जो हैं शाही फरमान की तरह जो है जारी किए जाते हैं और लोग जो हैं परेशान हैं, तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में एक ही तरीका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का और वो है वोट, और लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। आप उसका नाम लेने से क्यों डरते हो ना? पीपल्स कॉन्फ्रेंस का लीडर था इमरान अंसारी, उसका नाम है, थप्पड़ मारा SHO को, अब उसके खिलाफ पर्चा जो है वो दाखिल हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन को जो इसमें कार्रवाई करनी होगी करनी चाहिए, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। अगर किसी सरकारी मुलाजिम पे जो है हाथ उठाया गया और वो भी जब अपने काम को अंजाम दे रहा था, तो इसमें जो भी कानून की कार्रवाई है होनी चाहिए। वो फ्रस्ट्रेशन में था ना, मैं अब उनके लिए क्या जवाब दे सकता हूँ? ये तो जवाब सिर्फ अंसारी साहब दे सकते हैं, उनका मूड ठीक था खराब था, किस तरह का मूड था वो मैं क्या कह सकता हूँ। देश के गृहमंत्री ने कहा कि जो टर्नआउट हुआ है उसको देखकर अब वो आगे विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो अभी तक उनको क्या उम्मीद थी कि लोग बाहर आके वोट नहीं डालेंगे? और चलिए अच्छा है, वो हम तो कह रहे थे कि इस इलेक्शन में उनके उम्मीदवार होने चाहिए थे, अब चले कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए अगले इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में उम्मीदवार ना उतारने की वजह ये थी, कहा कि अभी हम तक हमने अभी तक लोगों के दिल नहीं जीते, दिल जीतेंगे फिर उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या महीने में ही दिल जीत गए? और बलिसा डोडा में बिजली का करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई। अस्पताल ले जाते वक्त उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लड़की की शनाख्त शाजिया बानो की हैसियत से की गई है, इसकी उम्र 14 साल है। लोगों का कहना है कि भलिसा में कई मकामात पर लकड़ी के खंभे नसब हैं जिन पर लगे तार कहीं कहीं तो जमीन में महज 4 फुट ऊपर हैं, जो बड़े नुकसान का पेशखीमा है। और रामबन बानिहाल के दरमियान ट्रैफिक की रफ्तार सड़क की सतह खराब होने के सबब सुस्त है। ड्राइवरों को ट्रैफिक के उसूल जवाबित पर अमल करने और ओवरटेक करने से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के हवाले से जानकारी दे रहे हैं हमारे रामबन नुमाइंदे बिलाल बाली। न्यूज 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है, मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है।
जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता दिन ट्रैफिक हॉल्टेज रखा गया था, लेकिन आज जो है ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है एज पर शेड्यूल चलेगा, जिसमें LMVs को दोतरफा चलने की इजाज़त होगी और हैवी मोटर व्हीकल्स को जखेनी उधमपुर से वादी कश्मीर की तरफ बाद दोपहर को छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने कट ऑफ टाइमिंग्स जो है वो बताई है, उसके मुताबिक काजीगुंड से सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा और कट ऑफ टाइमिंग्स के बाद गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। उसी तरीके से नगरोटा जम्मू से भी सुबह 6 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान में ही गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। लोगों से गुजारिश की गई और ख़ास तौर से पैसेंजर व्हीकल वालों से कि दिन के टाइम में सफ़र करें, क्योंकि रात के वक्त में रामबन बानिहाल स्ट्रेच में कहीं मकाम पर रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार है और कहीं शूटिंग स्टोन भी हो सकता है, तो आपके सफ़र में मुश्किलात हो सकती है, इसलिए दिन के टाइम में सफ़र करें। और सबसे अहम खबर यह है कि आज दिन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जो है दोतरफा चलेगा, LMVs और पैसेंजर व्हीकल जो है वो दोतरफा चलेंगे, वहीं पर जो HMVs है उन्हें जखेनी से वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के दिन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ड्राई डे रखा गया था, ट्रैफिक हॉल्टेज रखा गया था, ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को चलने की इजाज़त दी गई थी, इसलिए आम लोगों को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज जो है ट्रैफिक एज पर शेड्यूल चलने की इतला हमारे पास है, इसलिए अगर आप सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी घरों से निकलिए ताकि रामबन बानिहाल स्ट्रेच से आप निकल सकें और अपनी मंजिलों की जानें बढ़ सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि रामबन बानिहाल स्ट्रेच में किश्तवाड़ी पत्थर हो गया, गांगरो, रामसू, बानिहाल और उसके अलावा रामबन ढलवास के मकाम पर सिंगल वे कैरेज है, इसलिए आप लोगों को ट्रैफिक कवानीन की भी जो है पासदारी करनी होगी, लेन डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा ताकि सफ़र के दौरान आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं अगर हम मुगल रोड की बात करें तो मुगल रोड पर आज दोतरफा गाड़ियां चलेंगे, लेकिन कल के दिन में वहां पर भी एक लैंडस्लाइड हुआ था, मेंटेनेंस जो एजेंसीज है उनकी ग्रीन सिग्नल के बाद जो है दोतरफा गाड़ियां चलेंगी शुपियान से पुंछ और पुंछ से शुपियान की तरफ। SSG रोड की बात करें तो वहां पर भी गाड़ियों को चलने की इजाज़त होगी, आज श्रीनगर से करगिल के दरमियान जो है LMVs और HMVs को चलने की इजाज़त दी जाएगी। अगर हम किश्तवाड़ सिंथन रोड की बात करेंगे तो दोतरफा गाड़ियां चलेंगी अनंतनाग और किश्तवाड़ के दरमियान में, लेकिन ओनली LMVs को वहां पर अलाउ किया गया है। भद्रवाह चंबा रोड पर जो है एज पर शेड्यूल जो है गाड़ियां चलेंगी। तो एज ए होल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक जैम अक्सर और बेशतर लगता है, कल रात को जो गाड़ियां छोड़ी गई थी उसकी वजह से रामबन बानिहाल स्ट्रेच में इस वक्त भी जाम की इतलात है, इसलिए आप लोग जो है सब्र व तहम्मुल से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफ़र करें ताकि आप लोगों को ट्रैफिक जाम में फंसना ना पड़े। और सबसे अहम खबर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दोतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दे दी गई है, इसलिए आप अपना सफ़र प्लान कर सकते हैं। HMVs को आज जम्मू जखेनी से वादी कश्मीर की तरफ चलने की इजाज़त होगी और जो स्टैंडर्ड गाड़ियां थी उन्हें रात से ही छोड़ा गया है, वो इस वक्त अपनी अपनी मंजिलों की जान रवाना है और रामबन बानिहाल स्ट्रेच में खास तौर से ट्रैफिक जैम की इतलात है, इसलिए आप ट्रैफिक एडवाइजरी ट्रैफिक रूल्स को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपके सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसी तरह की मजीद अपडेट